हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम निदा सुफियान के बारे में। निदा सुफियान कौन है ये सब आप जानते होगे। सबा के व्लॉग, अगर आप सबा के व्लॉग भी वॉच करते होगे तो भी आपको पता होगा। और क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो ऑडियंस है वो सबा और दीपिका के व्लॉग से ज़्यादा है, लेकिन अगर आप यूट्यूब ऐसे भी वॉच करते होगे डेली व्लॉगर्स को, इंडिया के डेली व्लॉगर्स को, तो इसमें निदा सुफियान एक अच्छा खासा नाम है। अच्छा जी, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं ये मैं बता दूं। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो वो थोड़े से तो नहीं, हर पहले थोड़े बहुत लगते थे कि हाँ ठीक है, ओवर एक्टिंग है। हर चीज़ अपनी जो है उन्होंने यूट्यूब पर शेयर की हुई है, हर चीज़, सीरियसली ये हर चीज़ अपनी यूट्यूब पर शेयर करते हैं, तो जो कि कहीं ना कहीं लोग अब प्रॉब्लमेटिक इस चीज़ को समझना शुरू हो गए। ये सबसे अच्छी बात है कि लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है कि डेली व्लॉग का नाम ये नहीं है कि आप हर चीज़ अपनी जो है वो यूट्यूब पे शेयर करना शुरू कर दो और अपनी प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ा दो। ये चीज़ काफ़ी लोगों में फ़र्क आया है, काफ़ी लोग इस चीज़ को समझना शुरू हुए हैं कि डेली व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है। खैर बहरहाल, रिएक्शन देंगे हम पूरा का पूरा। अच्छा, सभा का व्लॉग भी आ गया है, बाकी मैं ना अभी सभा के व्लॉग का रिएक्शन देने के मूड में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि यार मुझे पता है भी बहुत सारे लोग देंगे। थोड़ा सा हट के टॉपिक बनाया जाए, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग डिमांड भी करते हैं कि आप थोड़ा सा हटके टॉपिक बनाओ। इवन जो कल मैंने जिस कमेंट के बारे में कहा था, उनका मुझे रीसेंट कमेंट भी आया। मुझे अच्छा लगता है कि अगर वो चीज़ को मानते हैं, उन चीज़ों को वो मुझे सलाह देते हैं। मुझे सलाह देने से कोई बुराई बात नहीं है, आपको देना चाहिए। मैं आपके ओपिनियन खुद मांगती हूँ और मैं उसका कहते हैं ना कि उसकी कदर भी करती हूँ। अगर आपका ओपिनियन आएगा मेरे बारे में जो कि ठीक है, अगर मेरे से अगेंस्ट भी होगा मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो खैर बहरहाल, वो ओपिनियन मुझे आया उनका कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये होता है कि कभी कभार आप बहुत ब्लो द बेल्ट चली जाती हो और क्या कहा कि आप सब ना एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हो, क्योंकि तीन चार पॉडकास्टर है जो सबा इब्राहिम और सबको कवर कर रहे होते हैं। तो कहती है कि इसलिए मैं थोड़ा सा बोर हो गई थी और मैं थोड़ा सा चढ़ गई थी, इसलिए मैंने ऐसा कमेंट कर दिया। ओके यार, कोई मसला है। जब मैं किसी कमेंट के बारे में, जब मैं अपने पॉडकास्ट में बोलूंगी तो मैं उस कमेंट के बारे में, अगर जब मुझे उसका रिप्लाई आएगा तो मैं उसका भी जिक्र करूंगी। और आपके ओपिनियन मुझे वाकई मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, मैं शुरू से इसी तरीके से हूँ और मेरा चैनल अगर कल को लाखों में भी पहुँचेगा, हजारों में भी पहुँचेगा, तो भी मेरा यही रवैया रहेगा। मुझे आपके ओपिनियन बहुत मायने रखेंगे क्योंकि मुझे पता है कि जब आप किसी ऐसी जगह पर बैठ के काम करो जहाँ पर आपकी ऑडियंस आपसे रिलेट करती है, तो आपको उस ऑडियंस की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए और मैं रखूंगी बिल्कुल। तो इसीलिए देख लो भाई, उसका जो व्लॉग आया ना, सभा का व्लॉग, उसमें कुछ नहीं है। उसने अपनी भाभी को नीचा दिखाने के लिए, आप देख लो कि उसने वो कपड़े ऑर्डर करके पहले ही, इसने शुरू में जिस दिन व्लॉग आया उसी दिन इसने जो है वो कपड़े दिखा दिए। खैर, उसको मैं नेक्स्ट अगले दिन के लिए रख लेते हैं, उस टॉपिक को हम पूरा अगले दिन पे कवर करेंगे। लेकिन आ चुका पॉडकास्ट, आपको बहुत सारी पॉडकास्ट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं निदा सुफियान के ऊपर कि क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मुझे वो फिलहाल लग ली है और लोगों को भी लग रही है, उस पर बात करते हैं। पहले ना व्लॉग्स आते थे, डेली रूटीन आती थी, बहुत सारी चीज़ें वो डिस्कस करते थे। थोड़ा सा है छपरियों वाला स्टाइल उनका है, लेकिन इट्स ओके, उनकी अपनी मर्जी। छपरी के स्टाइल उनका अपनाना, उनको अगर इस तरीके से लैंग्वेज में बात करनी है, इट्स ओके। ये लैंग्वेज पता है, ये जिस लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो ये लैंग्वेज ना एक आध जुमला, दो जुमले अच्छे लगते हैं। मैं भी कभी कभार बोल देती हूँ, ठीक है, वो एक अच्छा लगता है। थोड़ा सा आप अपना ना वे चेंज करते हो, लोग थोड़ा सा होते हैं। लेकिन ये लैंग्वेज जब आपको मुसलसल सुनने को मिल जाए ना, तो आप देखना इरिटेट करना शुरू कर देती कि यार ये क्या है, ये कौन सा स्टाइल है, छपरी वाला स्टाइल, अपन ये करेगा अपन, तो वो एक स्टाइल जो है आपको थोड़ा सा इरिटेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि एक थोड़ी सी छपरियों वाली लैंग्वेज है। मैंने भी कहा है कि ये छपरी वाली लैंग्वेज है, मैं भी कभी कभार यूज़ करती हूँ तो मैं आपको क्या, लेकिन एक से दो लाइंस, ओके। मुझे पता है कि ये अगर मैं इसमें पूरी पॉडकास्ट बनाऊंगी तो आप एक दिन बहुत लाइक करोगे, दूसरे दिन बहुत लाइक, तीसरे दिन बोलोगे क्या छपरी बैठी है यार, किस तरीके से बात कर रही है, मतलब बात करने की तमीज़ नहीं है, लाइक सीरियसली आप कैसे कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो लोग इस चीज़ से बोर हुए हैं और ये इनके कमेंट सेक्शन में दिखता है। लेकिन ना मैं इन डेली ब्लॉगर्स के कमेंट्स देखती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि उनको एक्सपोज नहीं किया गया, उन पर बात नहीं की गई, रिएक्शन नहीं दिए जाते। निदा सुफियान पे भी बात की जाती है, लेकिन नहीं, अपने ब्लॉग्स में मैं देखती हूँ ये नेगेटिव कमेंट्स ही नहीं रहने देते। अरे बाबा क्यों, रहन दो। जब एक चीज़ है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिखनी चाहिए आपके चैनल्स पर कि ये बात चल रही है। नहीं, नेगेटिव कमेंट्स रहने नहीं देने देते, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव के, लोग हमें कितनी मोहब्बत करते हैं इस तरीके से। ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पता है कब लगना शुरू हुआ है, इनके ना कुछ दोस्तों के साथ ना इनकी लड़ाई चल रही थी। मेरी कुछ जबान तोतली हो रही है, मैं तोतला सेट बन रहा है। तो इनके ना कुछ दोस्तों के साथ इनकी लड़ाइयाँ चली थी, जहाँ पर निदा ने जो है ना एक लड़की को ट्रोल करते हुए, जो उसकी दोस्त थी ना, उसको ट्रोल करते हुए बोला था कि टाइट टाइट कपड़े पहन के अपनी वीवियों की वीडियोज़ बनाते हैं, ये वो, इस तरीके की इसने कमेंटबाजी की थी, जो कि मुझे बहुत बुरी लगी थी। उसकी वजह मुझे क्यों बुरी लगी है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने अब अबाया पहन लिया है, अब आपने अपने ऊपर इस्लाम को नाफिस कर लिया है, अब आप बहुत ज़्यादा बुरखे में रहते हो, जबकि नकाब ये लोग कोई नहीं करता है, चाहे वो सना खान हो, चाहे वो ये हो, जबकि हुकुम नकाब का दिया गया है, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी इनको जज नहीं करती हूँ इन बात पे कि ये क्यों करते हैं, ठीक है। कुछ ना होने से होना बेहतर होता है, मेरा हमेशा यही मानना है। लेकिन आप जब हिजाब नहीं पहनते थे तब आपका क्या था, इवन जब उसकी शादी की वीडियोज़ उठा के देखो ना, तो उसमें उसके जो शादी का सूट है ना, उसमें उसका पेट पूरा साफ नज़र आ रहा है।
तो क्यों, मतलब आज आपने अबाया पहन लिया है, आज आपने अपने अपने आप को पूरा कवर कर लिया है, तो दूसरी दुनिया को आप नंगा बोल दोगे, आप बोलोगे दूसरी दुनिया को आपको जज करने का मिल जाएगा कि ये दूसरी दुनिया जो है वो नंगी घूम रही है। क्यों भाई, क्यों इस तरीके से? आपका पॉइंट होना चाहिए कि यार ये कपड़े इस तरीके के हैं, ये एक रिव्यू होना चाहिए, ना कि आप किसी को उस पर ताना दो क्योंकि आप अब पहनना शुरू हो गए हो अबाया, तो इसलिए अब आपको हुक्म मिल गया, अब आपको मिल गया है कि आप किसी को बुरा बोल सकते हो कि ये अपनी बीवी को ऐसे दिखाता है, इसकी बीवी तो इतनी टाइट टाइट कपड़े पहन के जो है वो टांगे शो करती है करती है। मतलब ये कहाँ का है? मुझे सही सबसे ज़्यादा ना प्रॉब्लमेटिक ये उसी व्लॉग में लगना शुरू हुई। मुझे तब तक पहले ये सही लगता था, मुझे लगता था कि हाँ ठीक है यार कि अपना डेली व्लॉग ही कर रहे हैं ना। प्रॉब्लमेटिक तो खैर मेरे लिए हर डेली व्लॉगर है, लेकिन मैं इग्नोर कर देती कि हाँ ठीक है। लेकिन जब एक काम आप खुद अच्छे बन गए हो तब आप दूसरों को अपने से नीचे से गिरावा समझो, ये नहीं है तरीका। और ये ना इस्लाम के नाम पर इसको लिया जाता है, इस्लाम, अरे भाई नहीं है। पता है मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगी, इस्लाम की बहस में मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन भाई मेरा जो मानना है ना, मैं जिस चीज़ को मानती हूँ ना, मैं जिस चीज़ पर यकीन रखती हूँ, मैं उसकी बात करूँगी। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपको कहीं से भी नहीं मिल जाता कि आप दूसरे इंसान को डिग्रेड समझ लो कि वो तो गिरावा इंसान है। रिव्यू करना अलग चीज़ है, कि बहुत छोटी छोटी लकीरें होती हैं। सीरियसली आप किसी पर रिव्यू कर रहे हो और किसी को जज कर रहे हो, बहुत छोटा छोटा लकीर होती है। कभी कभार मैं भी कभी कभार पार कर जाती हूँ, मुझसे भी कभी कभार गलती हो जाती है कि मैं किसी को जज कर बैठती हूँ जबकि मुझे रिव्यू करना चाहिए। मैं अपनी गलती मानती हूँ उस चीज़ को, जब मुझे एहसास होता है तो मैं बोल भी देती हूँ कि यार मैंने शायद जल्द थोड़ी सी वीडियोज में मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गई थी, रिसेंट दिनों में कुछ जज्बाती हो गई थी, मैं जा रही थी बिलो द बेल्ट, मैं जजमेंट पास कर रही थी, जो कि मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ रिव्यू करना है। तो आपको अपनी गलती का पता होना चाहिए कि आप अगर थोड़ा सा अच्छे हो, अगर आपने अबाया पहन लिया, हिजाब कर लिया, तो आपको ये हक मिल गया कि आप दूसरी लड़की को जो है, जो कि ऑलरेडी मुस्लिम है, जो कि ऑलरेडी अच्छी है और पहन रही है सही कपड़े पहन रही है, और आप उसको बोल दो कि यार ये तो ऐसी है, तो वैसी है, ये मुझे नहीं समझ में आता, शायद आप अपना पास्ट भूल गई हो। फिर जब लोग आपको पास्ट पे ताना देते हैं तो फिर नीचे कमेंट में लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं, आप उसके पास्ट को क्यों निकाल के आ रही हो? तो भाई उसको भी जजमेंट का हक नहीं है। यानी खुद अगर बाया पहन रहे हो और अगर किसी ने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं तो आप उसको जलील करने का हक रखते हो। देखो एक वेस्टर्न कपड़े में और बगाड़ती में फ़र्क होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो वो चीज़ आपको समझ होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी लाइनें हैं, उस चीज़ को समझो। तो ये मुझे उसी वक्त से बहुत ज़्यादा बुरी लगने शुरू हो गई थी। और अभी जो रिसेंट इसके 3 दिन के व्लॉग हैं ना, मैं बोल रही हूँ इंतहाई कोई घटिया किस्म के क्लिक बैट लिए गए हैं। सीरियसली जो दूसरा वाला व्लॉग का क्लिक बैट था ना, मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ कि ऐसा आप कैसे सोच के लिख सकते हो। और ये उसी सोच को, उसी थिंकिंग को लिख के रखा गया है और कमेंट सेक्शन में था भी ये बातें। पहला व्लॉग आता है सभा की इतनी बैंड बजाती हूँ ना कि मेरे मुंह से सभा ही निकल रहा होता है कि निदा को डॉक्टर ने क्या बोला, क्या निदा प्रेगनेंट, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, निदा प्रेग्नेंट है, इस तरीके का एक व्लॉग आता है, ठीक है। देन उसके अंदर बताया जाता है कि इसका कुछ शोल्डर ऊपर नीचे हो गया है, जिसकी इसको सर्जरी लिख के दी गई है क्योंकि उसके कुछ शोल्डर में प्रॉब्लम्स हो गई, जिसकी वजह से उसको डिस्क वगैरह जो है वो लगेगी, प्लेट लगेगी सॉरी। और एक इतनी बीमारी जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिस पर ये भी कहा गया है डॉक्टर्स ने कि अगर ये अनसक्सेसफुल अगर ये ऑपरेशन रहता है तो ये लड़की पैरालाइज्ड हो सकती है, लाइक सीरियसली पैरालाइज्ड हो सकती है। और इसका बैठ गई, ये यूट्यूब पर मजाक उड़ा रहे हैं, खास करके जो उसका हस्बैंड है। मुझे बहुत ज़्यादा अनॉइंग लगती हैं ये चीज़ें कि आपकी बीवी, ठीक है आप अपनी बीवी को परेशानी में नहीं डालो, लेकिन उसका मजाक उड़ा रहे हो आप कि अब तो प्लेट लग जाएगी ना, तो मैं तुम्हें ऐसे बना के ना, वो बाकायदा वो बनाकर वो घोड़ी बनकर बता रहा है कि बच्चे को बुलाता, बोलता है तू घोड़ी बन, तो मैं तेरे से बात, मैं ऐसे तुम पर ना खाना खाऊंगा क्योंकि तुम्हारे पास तो प्लेट रख जाएगी ना तुम्हारी कमर में, तो इसलिए मैं ऐसे खाना खाऊंगा। लाइक सीरियसली इतना गंदा साउंड कर रहा था ना, लोग बोलेंगे इंटरटेनमेंट है, ये इंटरटेनमेंट नहीं है, ये आपकी बीवी की बेइज्जती है जो आप सोशल मीडिया पे बैठ के कर रहे हो। इस चीज़ को समझो, इंटरटेनमेंट और बेगर बेइज्जती में फ़र्क होना चाहिए, वो फ़र्क नहीं है इनमें, ये एक दूसरे को उसी तरीके से शेड करते रहते हैं। अच्छा ज़्यादा बदनाम ना निदा है, निदा के अगर आप पहले भी कमेंट सेक्शन में रीड करो ना, यार ये बहुत बदतमीज़ है, अपने हस्बैंड से उसको बात करने का तरीका नहीं, तो उसका हस्बैंड भी कम नहीं है भाई। वो देखो इस किस्म का किस डार्क लेवल का मजाक कर रहा है ये। आजकल ना सबने डार्क कॉमेडी के नाम पर ना यही सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं, अतरंगी चीज़ें, बट डार्क कॉमेडी का नाम लगाती है, डार्क कॉमेडी। अरे डार्क कॉमेडी नहीं, बगैरती है ये सीधा सीधा, इसको बेइज्जती बोलो, नहीं अच्छा, नहीं साउंड किया अच्छा। लाइक सीरियसली आपकी बीवी को इतना बड़ा इशू है, जो कि लोग कमेंट में कर रहे हैं कि नहीं यार बहुत बड़ा इशू है, आप अपना ख्याल रखो, आप अपना इलाज करवाओ, किसी अच्छे डॉक्टर से आप ऑपरेट करवाना। जब लोग आपको इतना कमेंट कर रहे हो और आपका हस्बैंड, अब आप बोलोगे पीछे से मोहब्बत करता है ना, हम जो है ऑन कैमरा चीज़ें नहीं दिखाते, ऑन कैमरा तुम सब दिखा रहे हो भाई, तुम सब दिखा रहे हो ऑन कैमरा। तो ये वाले नौटंकी जो ना, ये जो डेली ब्लॉगर्स, इनके पास एक ही बहाना बच गया, हम ऑन कैमरा थोड़ी सब करते हैं, हम तो ऑफ कैमरा सारी चीज़ें, हाँ हाँ बेटा हाँ दिखता है हमको सब कुछ दिखता है। तो खैर बहरहाल वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी, ठीक है उस व्लॉग में वो था। देन दूसरा व्लॉग आता है, वहाँ पर टाइटल और थंबनेल है बच्चा गिर गया।
अच्छा अब बच्चा गिर गया, अंदर कौन गिरा है? जोहान गिरा है, जो उसकी पहली, आप उसके टाइटल पुराने जाओ जाके देखो, जब भी जोहान को कुछ होता है ना तो जोहान का नाम लिखते थे कि जोहान को ये हुआ है, जोहान ये है। लेकिन क्योंकि इन्होंने एंड में उधर छोड़ा था कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाले हैं, जो व्लॉग था ना जो पहला जहाँ पर ये सर्जरी का बताया, वहाँ पर ये एंड छोड़ते हैं कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाले, और इस प्रेगनेंसी का टेस्ट हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। वो नेक्स्ट व्लॉग का टाइटल लगता है बच्चा गिर गया। लाइक सीरियसली कितना गंदा साउंड कर रहा है ये, आप सोच सकते हो? ये जिस वे में बोला गया ना सब समझ आ गया। अब ये आप पर यहाँ पर आकर ये नज्जो आपा बनकर ये आ जाती हैं और ये देती है ना सबको ट्रोल करती है, हेटर्स को जवाब देती है, तो ये किसको, ये कौन दे रहा है ये? मतलब ये सब कुछ अच्छा लगता है? आप अपने बच्चे के लिए ऐसा लिख सकते हो ये थिंकिंग सोच के कि आपको पता है कि अगली व्लॉग में आपने जो है वो प्रेगनेंसी की वाइब्स दी है, क्योंकि इसमें बता रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है, मुझे नौसिया फील हो रहा है और मुझे जो है वो खट्टा खाने का दिल कर रहा है, मुझे क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर पूरा हिंट दे दिया गया कि मुझे प्रेगनेंसी टाइप का लग रहा है मुझे, सही है ना, कि मुझे प्रेगनेंसी फील हो रही है। और प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए भी आप चले जाते हो, ये व्लॉग में आप ही बताते हो। देन नेक्स्ट व्लॉग में आप लिख देते हो बच्चा गिर गया। लाइक सीरियसली आप जोहान का नाम यूज नहीं करो? पुराने ब्लॉग्स में जाना जोहान लिखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप जाके देखना उसके पुराने ब्लॉग्स में, जोहान जब भी कुछ होता है ना तो जोहान लिखा हुआ है, जोहान गिर गया, जोहान को लग गई, जोहान नानी के घर गया, ये सब कुछ लिखा हुआ है। बच्चा कभी भी वर्ड यूज नहीं हुआ है, लेकिन आज यूज हुआ क्योंकि क्लिक बैक था, इनको क्लिक्स चाहिए थे, जो कि बहुत गंदा तरीका है क्लिक लेने का, और अंदर जो था वो जोहान गिरा था, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें थी। बच्चा गिर गया का साउंड हम सबको पता है कि जब एक लड़की ने प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट करनी हो उस दरमियान वो दूसरा ब्लॉग अपलोड कर दे कि बच्चा गिर गया, अच्छा अब ये बच्चा गिर गया हो गया ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने सब कुछ कर दिया। अब तीसरा ब्लॉग आता है कि निदा प्रेगनेंट है, प्रेगनेंसी की मिठाइयाँ बांट दी, प्रेगनेंसी के सबके रिएक्शंस रिकॉर्ड कर लिए। अच्छा अम्मा जी, इनकी जो नदा की अम्मा है ना वो थोड़ी सी मुझे समझदार लग रही थी, उनको लगा कि नहीं यार ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि ये सही टाइम इसलिए नहीं है आपकी हेल्थ, मुझे ना ये नहीं समझ में आती, सीरियसली मुझे ये थिंकिंग नहीं समझ में आती कि माँ की तबीयत खराब है और माँ को ऑपरेशन लिख के दे दिया गया है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो ये हस्बैंड की सोच क्यों है? और ये है सोच हस्बैंड की कि हाँ अल्लाह देगा ना तो अल्लाह ही ठीक कर देगा। अरे भाई अल्लाह ने अक्ल दी है, अगर अल्लाह ने अगर सब कुछ अपने ऊपर ही रखना होता, अगर अल्लाह ताला को अगर अपने ऊपर ही रख के सारी चीज़ें चलानी होती तो वो क्यों हमको हमारी सोच देता फिर, कि हमें पता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई है और प्रेगनेंसी का चांस बन गया है तो ठीक है अल्लाह पाक कवर कर देगा, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम ये तो सोचो कि वो उस बंदी के लिए रिस्क कितना है। मतलब एक डॉक्टर ने आपको बच्चा पैदा करते वक्त ये कह दिया था कि आपको एक साल का नहीं देना है गैप, आपको दो ढाई साल का गैप देना है, जब भी ऑपरेट अगर आप करवाते हो तो डॉक्टर्स आपको दो साल का मैक्सिमम रेस्ट बोलते हैं, और जब आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो तो आपको दिया ही जाता है कि भाई उस बच्चे को भी टाइम दो, दो ढाई साल का, और आप अपना भी टाइम लो, माँ को ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ना ये मुझे नहीं समझ में आता, एक तो ये थॉट कि यार रोज़ी तो जो है अल्लाह दे देगा, तो भाई अगर मैं सीरियसली मैं कुछ बोलूंगी तो यहाँ पर फिर बहुत ज्यादा जो है ना वो अजीब बन जाता है का, लेकिन आपके पास अपनी अकल नहीं है, आपको खुद नहीं पता कि आप कितने बच्चे अफोर्ड कर सकते हो, बेशक वो रोजी मिल जाएगी लेकिन रोजी के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुद पूरी करनी है, ठीक है? तो ये सारी चीजों को थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा दुनिया में जब आए हो तो दुनिया के हिसाब से भी सोचो कि मैं कैसे पाल सकता हूँ, ये इस बिलीव के साथ अल्लाह पाल देगा, यहाँ पे लाइनें लगती जाती हैं, यहाँ पर इस सोच पे ना चार चार पांच पांच बच्चे पैदा कर लिए जाते हैं। अरे बाबा वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम आप अपनी भी तो हालत देखो ना, क्या करोगे? आपकी वही सैलरी वही सब कुछ रहा है, आप क्या करते हो? एक बच्चे का नवाला आप पांच बच्चों में बांटना शुरू कर दो तो यही करते हो? लाइक सीरियसली ठीक है कोई बच्चा भूखा नहीं सोता है, लेकिन तो जो ख्वाहिशात आप एक बच्चे की, जो जरूरत आप एक बच्चे की अच्छे से पूरी कर रहे होते, वो पांच बच्चे की आपको कट कसर से पूरी पूरी करनी पड़ जाती है, तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ ना, और एक औरत के लिए सोचो यार, वो औरत जो ऑलरेडी तकलीफ में है, जिसकी कमर में इतना बुरा पेन है, पेन हो रहा होगा ना, लाइक सीरियसली पेन है, शोल्डर का पेन है, नसें इश्यूज कर रही हैं, इतने ज़्यादा मसले हैं, उस औरत के बारे में नहीं सोच रहे हैं और बस सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है। और उसी तरीके से वो जो सास की थिंकिंग थी ना, वो थोड़ी जो मुझे अजीब सी लगी कि यार ये कैसे थिंकिंग है। अच्छा उसका जो सुफियान के जो अब्बू जी थे ना, वो थोड़े से हुए कि नहीं यार इसकी तबीयत ठीक नहीं है, जो एक निदा की माँ ने और एक सुफियान के जो फादर थे ना, इन दोनों ने रिएक्शंस दिए, उन दोनों ने ये सोचा कि ये इंसान है, ये लड़की है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको इस वक्त ऑपरेशन का बोला गया है, इस टाइम पर ये प्रेगनेंसी क्या नतीज लेकर आएगी, वो इस चीज़ से थोड़ा सा हो हुए कि यार ये क्या लेकर आएगी नतीज। लेकिन चाहे सास और एक तरफ उसका जो सगा बाप है वो उन्होंने बड़ा नॉर्मल कि अल्लाह ताला, अरे बाबा क्यों, अच्छा जी बीमारी दी है तो फिर आप लोग बीमारी पर ये बोल के क्यों नहीं रख देते कि अल्लाह ताला ठीक कर देगा, क्यों इलाज करवाने जा रहे हो? क्योंकि अकल है ना कि पता है कि बीमारी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, क्यों अल्लाह भरोसे नहीं बैठ जाते हो?
तो ये थोड़ा सा दुनिया में जब आए और अल्लाह ने मेन सबका आपको अकल दी है, अगर अकल दी है तो उसको यूज करने के लिए दिए, रखने के लिए नहीं दिए, डबल नहीं होगा ये, यूज करो उसको। मुझे ना सीरियसली समझ में नहीं आता जो लड़कियों को ना गधा घोड़ा समझते हैं, जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं कि वो बच्चा पैदा करने की मशीन है, लाइक सीरियसली 4-5 बच्चे चाहिए। अरे भाई आजकल का जमाना महंगाई तो देखो, 2 बच्चे पालना आप समझ लो कि एक बहुत बड़ा बन गया है कि यार कैसे पाले जाए। हमारी माए ना हमको, जो हमारी नानियां दादियां ना हमको बोलती, हमने तो 10-10, 12-12 बच्चे पैदा किए हैं। पहले की माए ना शायद हमसे ज्यादा एक्टिव है, पता है मेरी नानी ना कभी कभी मुझे लगता है मुझसे ज्यादा एक्टिव है, हालांकि वो इतनी एजेड है, मैं बोलती हूँ नानी आप तो मुझसे ज्यादा हो, क्योंकि पहले की रिगजा बहुत असली थी, पहले के लोग हर चीज अपने हाथ से करने के बाद भी ना एक अलग एक्टिवेट रखते थे। पहले इतना जो ना वो नफसा नफसी का दौर नहीं था, बच्चों में कॉम्पिटिशन्स नहीं थे, बच्चों की ख्वाहिशात बहुत महदूद थी, पहले बच्चे इतने ज़िद्दी नहीं थे, ना उनको हर चीज़ की ज़रूरत होती थी। आजकल के बच्चे एहसास कमतरी में पहले मुबतला होते हैं, उनको आप किसी चीज़ का मना कर दो, किसी चीज़ की रोक टोक कर दो, तो वो एक अलग है। और आजकल सबसे ज़्यादा औरत की जो मतलब सेहत है ना वो बिल्कुल ही गिर गई है, मतलब पहले की माएँ जो 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर लेती थी, अब की माएँ 2 बच्चे में ही ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ऑपरेशन बहुत ज़्यादा आम हो चुके, पहले रेयरली ऑपरेशन होता था, तो औरत में मेन औरत खत्म होती जा रही है, तो उसकी वजह से भी फर्क है। औरत को औरत समझो, औरत को भी एक इंसान समझो, उसको बच्चा पैदा करने की मशीन ना समझो, बच्चा पैदा करने की मशीन, अरे बाबा नहीं है बच्चा पैदा करने की वो मशीन। फेमिनिज्म वाला दौर मैं नहीं बोलूँ, मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इंसानियत को सपोर्ट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ये जो थिंकिंग जो ये रखी जाती है ना औरत के मामले में, ये सोच, ये गलत सोच है। क्यों औरत को हर वक्त औरत ही, बस हर मामले में औरत को दबाना है भाई, क्यों दबाना है? औरत बच्चा पैदा करने की मशीन है, औरत को तकलीफ नहीं होती है, औरत भले अगर 1 साल बाद भी बच्चा हो गया तो क्या हुआ, पैदा हो जाएगा ना। अरे भाई क्या, कैसे पैदा होगा? सोचो ना, वो ऑपरेशन के ऊपर उसी कट के ऊपर कट लगना, आप सोच सकते हैं बाबा, दिन जमीन आसमान एक हो जाता है। बच्चा पैदा करना बहुत आसान है, लाइक सीरियसली, कि ठीक है वो तो ऑपरेशन के लिए ना, ऑपरेशन करवाना बहुत ईजी है, मुझे पता है ना, क्योंकि आप लेट हो, जस्ट कट पिट करा और बच्चा निकल के फारे, तो जब उसके बाद जो सुन टूटता है, तो आपका जमीन और आसमान दोनों एक होता है, ये बता रहा है। ये हाल होता है, बहुत बुरा हाल होता है भाई, तो खैर, लेकिन वक्फा दो भाई, ठीक है अगर आपको बच्चे की ज्यादा चाहे, 3 नहीं 4 बच्चे पैदा करो भाई, 5 बच्चे पैदा करो, लेकिन वक्फा दो, एक औरत को भी इंसान समझो, ये मेरा मानना है भाई। भले गैप होना चाहिए ताकि वो पहले बच्चे पे भी नजर रहे, परवरिश हो, एक हो सकता है कि चलो गलती हो गई वो एक अलग बात है, कि ठीक है हम फिर अपने बच्चे के साथ जुल्म नहीं कर सकते, हम उसको दुनिया में आने से पहले मार नहीं सकते, गलत बात है वो चीज़, लेकिन एक गलती हो गई वो एक अलग है, लेकिन एक जान कर सकते। अच्छा पूरा का पूरा नौटंकी पूरा क्रिएट की गई कि खैर बहरहाल हम आते टॉपिक पर, रिएक्शंस लिए गए, हर चीज़ ली गई, और उसके बाद बोल दिया कि नहीं हम तो अब आपके रिएक्शंस ले रहे। अरे ये क्या मजाक है यार, तुमने प्रेगनेंसी को मजाक बना दिया, तुमने बच्चा गिर गया मजाक बना, मतलब तुम मजाक हो, तुमने ये प्रैंक चैनल खोल के रखा है, तो तुम उसको निदा सुफियान व्लॉग से तुम उसको हटा के प्रैंक चैनल रख दो ना, तुम्हारे ऐसे बेखुफाना किस्म के जो है प्रैंक्स है, मतलब कोई ना प्रैंक का सर है ना पैर है। मैं तो बोलती जितने ये लोग प्रैंक करते हैं ना आपस में, जितने ये व्लॉगर्स प्रैंक करते हैं ना, सिस्ट्रोलॉजी का भी ये हाल है, आए दिन इनके प्रैंक चलते रहते हैं। अरे कोई बेतुके प्रैंक्स है ना, सर होता है ना पैर होता है, तुम ना चैनल को, अब तो लोग ये अगर सच में भी कभी कुछ हो ना तो उनको बोलना चाहिए अरे चले प्रैंक कर रहा है निकल यहाँ से, मतलब ये हमारे घर में तो ये हो, अगर मैं 2 बार किसी से प्रैंक कर लूँ ना तो तीसरी बार बोलेंगे, तीसरी बार अगर मैं सच भी बोलूँगा पर चल पे प्रैंक कर रहे हैं, तो ये वाला सीन हो जाता है। लेकिन इनके घर वाले इतने इनोसेंट है ना कि हर बार इनके प्रैंक में आ जाते हैं, हर बार ये प्रेगनेंसी का प्रैंक ना इन्होंने कुछ 3री-4थी बार किया हुआ, लाइक सीरियस इन्होंने इतने 3री-4थी बार किया, अभी भी एंड में जाते जाते इन्होंने हिंट दे दिए, मतलब निदा बोलती है मुझे अभी भी फीलिंग्स आ रही है कि मैं प्रेगनेंट हूँ, अलग है नेगेटिव रिजल्ट आ गया है, नेगेटिव नहीं आया, वो जो वो थी ना बोला कि स्ट्रिप ही खराब है, आप डॉक्टर से कंफर्म कराने के लिए गए हो, उन्होंने कंफर्म करके दिया कि ये नेगेटिव है, तो कैसे आप बोल सकते हो कि उसमें लाइन ही नहीं है? डॉक्टर ये कौन सा डॉक्टर है जिसने लाइन देके बगैर बोल दिया कि नेगेटिव है? क्योंकि अगर लाइन नहीं आती है ना उसमें, स्ट्रिप में भी इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है जब आप स्ट्रिप खरीदते हो ना, कि अगर ये 2 लाइन्स नहीं आ रही है ना तो मतलब आपने अपने यूरिन के अंदर कोई पानी वगैरह या स्ट्रिप पे कोई पानी का ड्रॉप्स वगैरह, ये स्ट्रिप एक्सपायर है, ऐसा कुछ होता है, सही है ना, ये कुछ हुआ है तभी आपकी 2 लाइन्स में से 1 लाइन भी नहीं आई है, वरना 1 लाइन आना लाजमी है, 1 लाइन नेगेटिव की आएगी या तो 2 लाइन पॉजिटिव की आएगी, और अगर सिर्फ पॉजिटिव की लाइन आती है तो भी समझो कि कुछ खराबी हुई है, तो ये लिखा हुआ होता है, तो इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है, ये कौन सा डॉक्टर है जिसने बगैर लाइनें देखे बगैर कि लाइन आई नहीं है उसने बोल दिया नेगेटिव है? और भाई अगर डॉक्टर्स इतने ज़्यादा वो होते हैं, कंसर्न होते हैं इन मामलों में, कि अगर ऐसी कुछ लाइनें वगैरह नहीं आती तो वो दोबारा टेस्ट करवाते हैं, अगर उसमें भी नहीं पता चलता सबसे पहले ना तो वो स्ट्रिप टेस्ट को तो मानते ही नहीं है इतना, वो बोलते हैं नहीं जाके ब्लड टेस्ट करवा कराओ, वो स्ट्रिप टेस्ट को नहीं मानते जो डॉक्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं नहीं जाके ब्लड टेस्ट करवाओ, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट पे हम मानेंगे कि ये प्रेगनेंसी है या नहीं है, क्योंकि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ऐसी होती है जो आपको फर्स्ट डे अगर एक दिन भी होगा ना आपकी प्रेगनेंसी को, वो आपको बता देगा, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट होती है।
और स्ट्रिप कभी कभार ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स मैंने देखे जो ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो दिखाते हैं पॉजिटिव है और नहीं होता है, वो कभी कभी दिखाते हैं नेगेटिव रिजल्ट है लेकिन आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी होती है, तो ये सीन भी स्ट्रिप्स के साथ रहता है। लेकिन नहीं, ये अवेयरनेस वाले व्लॉग नहीं देंगे, ये ऐसे बेतुके व्लॉग्स देंगे। अभी भी इन्होंने छोड़ दिया एंटी, ये देखना अभी एक दो दिन में ये दोबारा फिर प्रेगनेंसी को लेकर आएंगे। अरे बस कर दो यार, मतलब ठीक है आपका कंटेंट अच्छा हो सकता है, आप फेमस हो चुके हो, अब आप ये ऐसी तोछड़ी हरकतें क्यों कर रहे हो, क्योंकि सीरियसली बुरा लग रहा है और लोग उनसे इंस्पायर हो रहे हैं और लोग उस मजाक पर हंस रहे हैं। अरे भाई ये मजाक है, बच्चा गिर गया मजाक है, प्रेगनेंसी का मजाक बनाना मतलब किस तरीके से प्रेगनेंसी को करना और औरत को एक घोड़ा और इस तरीके से बोलना, ये सब मजाक है कि बच्चा पैदा करने की मशीन और इस टाइप की लैंग्वेज यूज़ करना, ये सब मजाक है। मेरे हिसाब से तो मजाक नहीं, औरत की बेइज्जती है और इस चीज़ को फील होना चाहिए। ये जो मर्द जो ना ये अगर आपको मजाक में भी बोल रहा है ना ये सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों को नोट करो, ना कि भले कलेश ना करो लेकिन नोट करके उसको बोलो कि ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद है, मत बोलो ये मजाक में भी, कलेश नहीं करो लेकिन अपनी अपनी इज्जत खुद बनाओ, अपनी इज्जत खुद करना सीखो। अगर खुद नहीं करना सीखोगे ना तो फिर कोई इज्जत नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। खैर बहरहाल भाई, मेरा ना थोड़ा सा औरतों को लेकर ना है पॉइंट भाई, क्योंकि मैं देखती हूँ इस तरीके की हरकतें। अभी जो पंजाब कॉलेज में हादसा हुआ है, लाइक सीरियसली इतना औरत को कमज़ोर क्यों बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है इतना औरत को कमज़ोर। हम सबको पता है पंजाब कॉलेज में जो हादसा हुआ है, केस को दबा दिया गया है पाकिस्तान में, लड़की के साथ इतना गलत किया गया, सेम इंडिया पाकिस्तान का भाई। इंडिया, मैंने उस दिन भी कहा था, लोगों ने लिखा था ना कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता है, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह एक ही हाल है, औरत को पाँव की जूती ही समझा जाता है, औरत को समझा जाता है कि ये तो है ही इसी चीज़ के लिए भाई, इसको तो जलील करो, इसको तो जलील करने के लिए हमें देती गई है, जब कैसा नहीं है, औरत सर पर बैठाने का ताज है, थोड़ा सा समझो उस चीज़ को। लेकिन नहीं समझा जाता। जो पंजाब कॉलेज का हादसा है वो भी बहुत बुरा हादसा है यार, सीरियसली। और उसके बाद जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ अलग किया जा रहा है भाई, बहुत गलत हो रहा है। मैं बोलती हूँ आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ उठाओ, पंजाब कॉलेज को समझना चाहिए, उनको इंसाफ दिलाना चाहिए। और इतना इतना डराया है कि उसकी फैमिली मेम्बर भी आकर ये बोलने पर मजबूर हो गए हैं कि हमारी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ। और ये हमारे मुल्क में या ये किसी भी जगह पर मुल्क में ये कोई पहले वाक्य नहीं है, इससे पहले एक 5-6 साल की बच्ची के साथ गलत किया जाता है और उसके बाप के माइक बंद कर दिए जाते हैं, ये सब कुछ होता रहा है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक औरत को इसकी वो हैसियत नहीं मिलेगी ना, तब तक ऐसे दरिंदे घूमते रहेंगे और ये होता रहेगा। खैर बहरहाल अल्लाह पाक सबकी बच्चियों को सेफ रखे यार, बच्ची की बहुत, बच्चियाँ ना बहुत नाजुक होती हैं, लाइक सीरियसली बच्चियों को। अब ये बोलते हैं कि बच्चियों को घर में बैठ, अरे वो पॉसिबल नहीं है, बच्चियाँ घर में कैसे बैठे हैं, बच्चियाँ के पढ़ने लिखने का हक नहीं रखती हैं क्या? वो गर्ल्स कॉलेज था, मुझे बताओ उसमें कौन से बॉयज थे जिसके अंदर ये लोगों ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, गर्ल्स कॉलेज था, लाइक सीरियसली। मतलब कि एक गर्ल्स कॉलेज में भी बच्ची सेफ नहीं है, मैं तो यही सोच रही हूँ। पता है मैं ना थोड़ा डर भी जाती हूँ जब आपके पास आपकी बेटियाँ हो ना, तो मैं इस चीज़ों पर रख कर भैया कि गर्ल्स कॉलेज में हमारी बच्चियाँ सेफ नहीं है, हम कैसे अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे, हम कैसे उनको बाहर भेजेंगे, कैसे हमारा दिल चलेगा कि यार हमारी बच्चियाँ बाहर जाए। इंसान डरता है यार इन सब चीज़ों को देखकर, और मैं वो वाकया देखकर ना वाकई बहुत डरी। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, अल्लाह पाक सबको, जिनकी बच्चियां हैं, जिनके बच्चे हैं, चाहे बेटे हों चाहे बेटियां हों, जो भी बाहर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, उनके उनकी हिफाजत करे अल्लाह पाक, और इन दरिंदों से बचा के रखे, इन दरिंदों से अपने बच्चों को। मतलब माँ बाप की गलती नहीं है यार, किसी की कोई गलती नहीं है इसमें, सिर्फ गलती उस स्कूल इंतज़ामिया की, उस कॉलेज इंतज़ामिया की और उस गार्ड की है जिसने ये किया। अच्छा यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि किसी पॉलिटिशियन की इन्वॉल्वमेंट है तभी उस बात को दबाया जा रहा है, जिस तरीके से होता है हमेशा वडेरे होते हैं शामिल होते हैं और फिर बात को दबाया जा रहा होता है। लेकिन इंसाफ ना पहले मिला है ना आज मिलेगा, यही है भाई, यही है, नहीं मिलते भाई इंसाफ नहीं मिलते, लोग ख़त्म हो जाते हैं, माँ बाप डर के बैठ जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके पास दूसरी भी औलाद है, वो जाने वाली के लिए इंसाफ मांगने के चक्कर में अपनी दूसरी औलादों की बलियाँ थोड़ी देंगे, वो बेचारे डर जाते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है नहीं चाहिए भाई इंसाफ, छोड़ दो। यही होता है एट द एंड, इसका भी यही वाक्य होना है जैसे हज़ारों का वाक्य हुआ है, ये छोटी मासूम की 5 साल की ज़ैनब का जो वाक्या हुआ था, क्या इंसाफ मिला? अब जिस बंदे को पकड़ा गया बाद में उस बंदे को छोड़ दिया गया, फिर बोला गया ये बंदे ने तो किया ही नहीं है, कोई दूसरा बंदा था, अजीब हाल हुए हैं, कोई किस्म का कोई है ही नहीं भाई, कोई केस में कोई इंसाफ ही नहीं है, मुझे ये समझ में आ गया कहीं कोई इंसाफ नहीं है, बेटी को हमेशा सिर्फ रोंद दिया जाता है। खैर बहरहाल अपनी बच्चियों को अपनी हिफाजत में रखें, जितना कुछ हो उस हिफाजत में रहें, बहुत मासूम होती है और अल्लाह पाक उन सबकी हिफाजत करें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।